हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग को लेकर है। बहुत दिन से करंट फीलिंग के ऊपर मैंने वीडियो नहीं दिया था, तो आज मैंने सोचा कि आपके लिए, आपके पार्टनर की करंट फीलिंग के लिए आज एक वीडियो दूं, ताकि आप जान सकें कि कैसी है अब उनकी जो फीलिंग है आपके लिए, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। यहाँ पर आपके लिए 3 पायल्स हैं। फर्स्ट पायल पर ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, सेकंड पायल पर रोज क्वार्ट कलर का क्रिस्टल है और तीसरे पायल के ऊपर ब्लू कलर का क्रिस्टल है। ये बहुत प्यारे क्रिस्टल्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जो भी आपको रेजोनेट करता है, आपको अच्छा लग रहा है, आप उसे चुन सकते हैं अपने पार्टनर की करंट फीलिंग को जानने के लिए। आपको भगवान का नाम ले लेना चाहिए, आपको उस एनर्जी को याद करना चाहिए जिसको आप मानते हैं। उस पावर को ज़रूर याद करें जब भी कोई रीडिंग लेते हैं। आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात ज़रूर कहूँगी, जब भी आप कोई फ्री रीडिंग लें, जब भी आप कोई फ्री कार्ड्स को इस तरह से चेक करें, देखें, तो आपको कुछ ना कुछ डोनेट ज़रूर करना चाहिए। डोनेशन का मतलब यहाँ पर किसी को पैसे देने से मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि किसी एनर्जी के लिए कुछ करना चाहिए, लिविंग थिंग के लिए कुछ करना चाहिए। हमारे आसपास पेड़ पौधे हैं, हमारे आसपास जानवर हैं जो हमारे ऊपर निर्भर हैं, तो आप ऐसे में उनको कुछ खिला सकते हैं, पेड़ को पानी दे सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं, ताकि मदर नेचर जो है उसको भी हम नर्चर कर पाएँ। हमारे कुछ कर्तव्य हैं जिसको करना ज़रूरी है। अगर हम इन कर्तव्यों को फॉलो करते हैं, इनको थोड़ा सा भी मानते हैं, तो हमारा जीवन कई चीज़ों से सरल हो सकता है। हमारे जीवन में बहुत सारी दिक्कतें अपने आप दूर होने लग जाती हैं, हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ता। तो आप ज़रूर करें, जब भी किसी रीडिंग को देखें तो किसी पौधे को पानी दे आएँ उठकर। तो ऐसा करने से भी आप लोगों को काफ़ी रिलीफ फील होगा, आपके जो भी कर्म बंधन हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिल सकती है। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको इसलिए ये सब चीज़ें बताई हैं क्योंकि हम रीडिंग्स हमेशा करते रहते हैं, हम देखते रहते हैं, एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, ऊर्जाओं का इस्तेमाल करते हैं, पर हम देते कुछ नहीं हैं। देखिए, जितना ऊर्जाओं को ग्रहण करना ज़रूरी है, उतना ही देना भी ज़रूरी है। तो इसलिए आप मेरी इस बात को मानकर पहल ज़रूर करें, डोनेशन ज़रूर करें, किसी भी फॉर्म में क्यों ना हो, पौधों को पानी देकर, पक्षियों को खाना खिलाकर, जानवरों को खाना खिलाकर, ये सबसे बड़ा पुण्य है, तो करके देखें। चलिए बात करते हैं आज की रीडिंग की। फर्स्ट पाइल मैंने यहाँ पर लिया है, यहाँ पर लाइट ब्लू कलर का क्रिस्टल है। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, चलिए जानते हैं वो आपके लिए क्या सोचते हैं। फर्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। एस ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि वो आपके लिए सोचते तो ज़रूर हैं, थोड़े से कुछ डिप्लोमेटिक हैं, थोड़े से वो थोड़े बोल्ड हैं, पर यहाँ आपके लिए वो सोचते ज़रूर हैं। यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स भी दिखाता है कि वो बहुत सारी चीज़ों को इस रिश्ते के लिए बैलेंस कर रहे हैं, आपकी बातों को भी वो बैलेंस करते हैं, बहुत सारी कोशिश भी करते हैं। यहाँ पर दिखाई देता है कि वो बहुत पैशनेट हैं आपके रिश्ते को लेकर, ऐसा नहीं है कि वो सोचते नहीं हैं, आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखते हैं। और इसके बाद है किंग ऑफ कॉइन। किंग ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि हो सकता है कि वो आपके साथ स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हों, पर यहाँ पर कुछ स्टेबिलिटी में कमी मैं देख सकती हूँ। सोचते बहुत हैं वो कि आपके साथ वो एक नए रिश्ते में बंधें, कोई नई शुरुआत करें, हर चीज़ को बैलेंस करके आपके लिए आपके पास आना चाहते हैं, पर कुछ ना कुछ उन्हें रोक रहा है। हो सकता है कि अपने करियर की चिंता उन्हें हो सकता है कि वो उतना काम ना कर पा रहे हों जितना वो सोच रहे हों, बहुत सारी कोशिशों के बाद भी उनको सफलता ना मिल पा रही हो, जिसकी वजह से कुछ वरी उनके दिमाग में चल रही है, कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसको वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। यहाँ पर वो चाहते हैं कि आपको सब चीज़ें बता दें, पर अभी वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो कुछ ऐसी एनर्जीज हैं काम को लेकर, या उनके कोई एग्ज़ाम्स हैं, या उनके कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो परेशान हैं। तो ये स्थिति इस टाइम पर उनकी है, वो आपके पास आने के लिए आतुर हैं, वो आपके पास सारी बातें आपको करने के लिए आतुर हैं, पर अभी वो कर नहीं पाएंगे क्योंकि थोड़ा सा किसी सिचुएशन में वो अटके हुए हैं। उनको निकलने दें, अभी उनको थोड़ा सा समय दें, जैसे ही वो निकल जाएंगे इन सिचुएशंस के साथ, तो आपके पास आकर आपको सारी बातें शेयर करेंगे, बताएंगे, और आपके लिए जो एनर्जीज वो फील करते हैं उसको भी एक्सप्रेस करेंगे। तो ये थी हमारी पायल नंबर 1 की रीडिंग। इसमें हमने देखा है कि आपके पार्टनर की फीलिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो वो आपके पास जल्दी ही आएंगे और आपसे सारी बातों को शेयर भी करेंगे और एक्सप्रेस भी करेंगे। तो अगर आप पर ये रेजोनेट की हो, अगर आपको ये अच्छी लगी हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वैसे आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स मैं आपके पढ़ती हूँ और मुझे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।
इन सभी कमेंट्स के लिए, इन सभी बातों के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बात करते हैं पायल नंबर 2 की। अगर आपने पिंक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। चलिए जानते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए कैसी है। अभी तक मैं देख पा रही थी कि एक फैमिली की फीलिंग, एक स्टेबिलिटी की फीलिंग थी, पर अभी कुछ ऐसा हो रहा है आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा नहीं है। कुछ पास्ट की बातें बाहर आती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज इस समय पर मैं देख पा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है। तो आपको अपने रिश्ते को संभालना चाहिए, थोड़ा केयरफुल हो जाइए। कोई आपके रिश्ते में आ सकता है, कोई आपके रिश्ते को डिस्टर्ब कर सकता है। हो सकता है वो पास्ट की बातें हों, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ ऐसी फीलिंग इस समय पर आ रही हो जो अच्छी नहीं है, नेगेटिव है कुछ। तो अपने रिश्ते को संभाल कर रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि रिश्तों में कुछ सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, कुछ सोचना पड़ता है, कुछ संभालना पड़ता है और कुछ छोड़ देना पड़ता है। तो यहाँ पर भी वही एनर्जी है, हैंग्ड मैन है। सेक्रीफाइस तो आपको करना पड़ेगा अगर आपको रिश्ते को संभालना है, नहीं तो रिश्ते में कोई प्रॉब्लम भी आ सकती है। आप लोग कुछ ऐसी चीज़ों को देख सकते हैं जो आपके पुराने पास्ट से जुड़ी हुई थी। आपकी यादें ताज़ा हो सकती हैं पुरानी, पर आप जो अच्छा है उसे नहीं देख रहे हैं। आप जो ख़राब स्थितियां थी उसको याद कर रहे हैं, ये फीलिंग अच्छी नहीं है। आपको उन चीज़ों को याद करना चाहिए जिन्होंने आपका साथ बनाया है, जिन्होंने आप दोनों को साथ में रखा है। देखिए यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जीज थोड़ी सी डिस्टर्ब हैं, तो आपको उन्हें संभाल लेना चाहिए। यहाँ पर वो आपके लिए पुरानी चीज़ों को याद करके परेशान हो रहे हैं। आपके बीच में कोई तीसरा व्यक्ति हो या अब हो सकता है या पुराने समय पर था, तो वो यादें जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तड़पा रही हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही हैं। आप दोनों के रिलेशनशिप में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। तो आपको इस फीलिंग को समझना होगा, एक दूसरे पर विश्वास बनाए रखना होगा अगर आप इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। करंट फीलिंग है ये, तो बदल भी सकती हैं, ऐसा नहीं है कि परमानेंट है। करंट फीलिंग्स जो हैं वो चेंज होती रहती हैं, तो इसलिए आपको इस सिचुएशन से बाहर आने के लिए कोशिश करनी चाहिए। अपने पार्टनर को भी इस सिचुएशन से बाहर निकालना चाहिए। उनको अपना फेथ देने की कोशिश करें, उनको समझाने की कोशिश करें, उनको वो यादें ताज़ा करवाएँ जो टेन ऑफ पेंटिकल्स की हैं, जो एक फैमिली की हैं, जो स्टेबिलिटी की हैं। तो वो चीज़ें अगर आप उनको याद करवाएंगे तो इन चीज़ों से वो बाहर निकल पाएंगे। तो इस तरह से पायल नंबर 2 आपको रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करनी चाहिए, रिलेशनशिप में फेथ लेकर आना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। तो अभी फीलिंग्स अच्छी नहीं है, पर ये नहीं कह सकते कि कल अच्छी नहीं होंगी। तो इस सिचुएशन को अभी संभाल लें। आगे की रीडिंग फिर दूंगी और उसको आप ज़रूर देखें ताकि आप तब पता कर सकें कि कैसी फीलिंग है। चलिए ये थी हमारी पायल नंबर 2 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट की हो, आपको अच्छी लगी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं पायल नंबर 3 की, जिन्होंने ब्लू कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है। कैसी है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आइए जानते हैं। यहाँ पर पायल नंबर 3 जिन्होंने ब्लू कलर के क्रिस्टल को चूज़ किया है, आपके लिए सभी कार्ड्स काफ़ी पॉजिटिव आए हैं। ये देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, जब सबके कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे लगता है जैसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी आसपास फील हो रही हो और कुछ अच्छा कहने का मन करता है। देखिए खुद यूनिवर्सल एनर्जीज हमसे बात करवाती हैं और ख़ुद वो गाइड करती हैं कि हमें क्या कहना है, हम वही कहते हैं। ये सबसे अच्छी बात होती है जब आप खुद कुछ नहीं कहते और आपसे एंजल्स या एनर्जीज कहने को बोलती हैं। यहाँ पर 2 of Wands है। 2 of Wands दिखाता है कि एक ऐसी एनर्जी है आपके पार्टनर की कि वो आपके लिए कुछ सोच तो रहे हैं, कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपसे कहीं काफ़ी दूर हों, यहाँ पर ये एनर्जी मैं देख पा रही हूँ। पार्टनरशिप की फीलिंग यहाँ पर दिख रही है, कुछ रेस्टलेस एनर्जी भी है। पेज ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि कोई क्विक डिसीजन वो लेने वाले होंगे समय पर। हो सकता है कि उनकी फैमिली में कुछ परेशानी चल रही हो जिसकी वजह से उनके थॉट प्रोसेस में अभी ये बातें चल रही हों कि जल्दी से उनको डिसीजन लेना पड़ेगा। किंग ऑफ कप्स दिखाता है कि बहुत एक केयर की एनर्जी उनकी है, वो आपके लिए बहुत प्यारी फीलिंग रखते हैं, वो बहुत सोचते हैं आपके लिए, पर अभी वो पेशेंस रखे हुए हैं। वो क्विकली एक डिसीजन लेंगे जल्दी से, और अभी उन्होंने बहुत पेशेंस रखी हुई है क्योंकि वो चाहते हैं कि काम जो है वो आराम से हो जाए, कुछ बिगड़े नहीं, कोई हालात ना
बिगड़ें तो सिचुएशन को संभालने की कोशिश हो रही है। तो टेम्परेंस दिखाता है कि पेशेंस बहुत ज़्यादा रखी है और गॉड ग्रेस भी है, तो जो सिचुएशंस नेगेटिव भी आपके आसपास कुछ हैं तो वो उसको संभाल लेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे सिचुएशंस को वो संभाल सकें। यहाँ पर मैं सोलमेट कनेक्शन देख सकती हूँ, ट्विन फ्लेम भी कहा जा सकता है। यहाँ पर टेम्परेंस दिखाता है कि कोई गॉड ग्रेस है, तो इनर काम भी है, बहुत सारा बैलेंस भी है, शांति का अनुभव भी है। दोनों कार्ड्स किंग ऑफ कप्स और टेम्परेंस बहुत प्यारी एनर्जी हैं। हालांकि कुछ डिस्ट्रैक्शन हो सकती है, मन के भाव बिगड़ सकते हैं, आसपास के लोग उसे बिगाड़ सकते हैं कि हमारे आसपास बहुत सारी एनर्जीज ऐसी रोज़ाना रहती हैं जिससे हमारे मन के भाव बहुत जल्दी बदल जाते हैं, पर अंदर की जो फीलिंग है वो कभी नहीं बदलती। तो ये इनर फीलिंग जो है आपकी वो ऐसी ही रहेगी, आपके पार्टनर आपके लिए ऐसा ही सोचेंगे जैसा वो सोचते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो इस प्यार को समझते हुए आपको इस रिश्ते में बैलेंस क्रिएट करना है, वो तो बहुत कोशिश कर रहे हैं, टेम्परेंस ये दिखा रहा है, आपको भी इस कोशिश में उनका साथ देना चाहिए। इस तरह से ये थर्ड पाइल की जो रीडिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थी। कुछ चीज़ें इसमें जैसे पेज ऑफ स्वॉर्ड दिखाता है कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शन दे सकती हैं, कुछ थॉट्स में चेंजेस आ सकते हैं, पर आपको इस पर थोड़ा सा बैलेंस करना पड़ेगा, आप दोनों को मिलके बैलेंस करना होगा, एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं। तो इस तरह से ये थी हमारे पाइल नंबर 3 की रीडिंग। अगर आप पर ये रेजोनेट की हो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा ज़रूर कि रीडिंग्स कैसी लग रही हैं। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।